देशवासियों को जल्द से जल्द सजा करें। और एक जरूरी बात, जिस तरह से राजस्थान में कमजोर लोगों पे लगातार उत्पीड़न हो रहा है, जैसे उदयपुर वाटी की घटी इसने बताई, गिरिराज ने, अतुल ने बताया कि भैया 10-10 रेप हो गए वहां दो दिन में, ये राजस्थान है रेपिस्तान है। अगर मुख्यमंत्री में प्रदेश नहीं चल रहा तो कुर्सी खाली कर दे। और एक जो वो कोई नेताजी है जो पैसों से खरीदने की बात कर रहे हैं, मैंने उनको ये भी बताया था, ऐसे लोगों के नाम मैं अपनी जीभ से भी नहीं लेता हूं, जिनका जिनकी सोच और जिनकी नीच हरकत नीच होती ना उनके नाम नहीं लेता मैं। लेकिन मैं उसे बता देना चाहता हूं, पैसों का जिक्र करने वाले तेरे वजन के बराबर पैसों से तोल देंगे, तेरे में हिम्मत है तो करवा के देंगे। इतने हल्के नहीं है हम, वो लोग हैं, ये हाल साहब वहां से हरियाणा से, ये रविंदर और भी ये सारे हैं, राजस्थान का जो यूथ है जो ताकत है वो जो है पूरे 3-4 मैं बता दूं कि पैसा सम्मान से बढ़कर नहीं होती, हमें न्याय चाहिए, एक मांग है हमारी, न्याय चाहिए। और तुम्हारा किसी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो किसी भी समाज की, इसलिए हम बंद करने के लिए जा रहे हैं। मेरा निवेदन है शांति बनाए रखिए, जुल्म और जालिम की हद रखिए, लाठी मारे गोलू चलाए क्या करते हैं हम इनकी हद भी देखेंगे, लेकिन ये याद अत्याचार के खिलाफ चुप रहना गुलामी है। और क्या आप लोग गुलाम है, क्या आप लोग गुलामी करेंगे, जालिम का हिसाब करेंगे ना? अगर संविधान का सम्मान नहीं करते ना तो न्याय खुद कर देते, पुलिस से देख ढूंढ लेते उन्हें और पता भी नहीं देते, लेकिन हम संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। और इसीलिए ये लोग न्याय मांगने आए ना तो राजस्थान में छिपने की जगह कम पड़ जाएगी। चाहता हूँ साथी उनकी मदद ना करे, प्रशासन की अपनी मदद करे, बहुत धैर्यपूर्वक ध्यान से चले और सरकार को बताए कि हम पीड़ित हैं, वंचित हैं और न्याय चाहते हैं। जय भीम।